इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 1,00,000 रुपए तक की पुरानी टैक्स डिमांड को माफ करने का ऐलान किया गया है। ये रियायत इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स के तहत जारी की गई टैक्स डिमांड पर लागू होगा। सीबीडीटी के मुताबिक वित्त वर्ष 2009-2010 से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 तक की बकाया इनकम टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 25,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड माफ कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 के बीच 10,000 रुपए की टैक्स डिमांड को माफ किया गया है। सीबीडीटी ने यह भी साफ किया है कि किसी टैक्स पेयर का अधिकतम 1,00,000 रुपए तक का बकाया टैक्स ही माफ किया जाएगा। इस फैसले से देश के 1,11,00,000 करदाताओं को फायदा होगा। हालांकि ये टैक्स माफी टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के तहत जारी किए गए टैक्स डिमांड पर लागू नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए टैक्स माफ करने का ऐलान किया था। Z News.